नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। अब रुख करते हैं खबरों की तरफ। इंटीग्रेटेड मेडिकल एसोसिएशन आजमगढ़ द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून 2022 के अंतर्गत आयोजित योग सप्ताह के अनुक्रम में आज 18 जून 2022 दिन शनिवार को 3 योगाभ्यास कार्यक्रम आयोजित किया गया। सर्वप्रथम प्रातः 6 बजे डाक बंगला फूलपुर पर प्रभारी डॉक्टर उमेश पांडे के नेतृत्व में उपस्थित लोगों ने योगाभ्यास किया। तत्पश्चात प्रातः 7 बजे लालगंज बाजार में डॉक्टर देवाशीष शुक्ला के नेतृत्व में एक साथ कई लोगों ने योगाभ्यास किया। उसके बाद 8 बजे वेदांता इंटरनेशनल स्कूल बनकट में स्कूल के शिक्षक शिक्षिकाएं सहित सभी स्टाफ ने सामूहिक योगाभ्यास किया, जिसमें योग प्रशिक्षक सुनील कुमार पाल ने विभिन्न प्रकार के योगासनों की जानकारी दी तथा योगाभ्यास कराया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वेदांता इंटरनेशनल स्कूल के मैनेजिंग डायरेक्टर शिव गोविंद सिंह ने कहा कि आज की जीवन शैली ने आदमी को कमजोर और बीमार कर दिया है। इस समस्या से निजात दिलाने के लिए योग सबसे सशक्त माध्यम है, अतः प्रत्येक व्यक्ति को योग की को अपनी दिनचर्या में शामिल करना चाहिए। शिव गोविंद सिंह ने योग के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि योग के बिना जीवन संभव नहीं है। आज की आधुनिक वातावरण में योग सभी के लिए लाभकारी है। शिशु व बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रूडी सिंह ने कहा कि आज की भागम भाग जिंदगी में हम इतने ज़्यादा व्यस्त हो गए हैं कि शारीरिक और मानसिक रूप से थक जा रहे हैं। ऐसे में योग के नियमित सेवन से हमें स्वस्थ रह सकते हैं। उपस्थित सभी लोगों ने बड़ी ही तल्लीनता से योगाभ्यास किया। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले की सदर लोकसभा सीट का आगामी 23 जून को होने वाले उपचुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए आईटीबीपी के जवानों को तैनात करने का सिलसिला शुरू हो गया है। जिले में सीआरपीएफ, बीएसएफ, एसएसबी और सीआईएसएफ और आईटीबीपी के हजारों की संख्या में जवान तैनात किए जा चुके हैं। बता दें कि जिले के कप्तानगंज थाना क्षेत्र के जलालपुर स्थित श्री राम प्यारे सिंह महाविद्यालय में आईटीबीपी के असिस्टेंट कमांडेंट अर्जुन सामल व सीओ उड़नपुर लालता प्रसाद साहू व एसआई जितेंद्र सिंह के नेतृत्व में पुलिस मुस्तैदी के साथ आईटीबीपी के जवानों ने स्थानीय पुलिस के साथ गांव कस्बों में फ्लैग मार्च व एरिया डोमिनेटेड पेट्रोल के द्वारा लोगों में विश्वास जगाएंगे कि हर वह निडर होकर मतदान करे। असामाजिक तत्वों से निपटने के लिए प्रशासन की तैयारी पूरी है। जो कोई भी मतदान के बाधक बनने की कोशिश करेगा या गलत माध्यम से किसी को प्रभावित करने की कोशिश करेगा, उसके साथ स्थानीय पुलिस और आईटीबीपी के जवान सख्ती से पेश आएंगे। बता दें कि चुनाव के लिए जिले में आए जवानों के ठहरने के लिए स्कूलों में व्यवस्था की गई है। उन्हें रहने ठहरने में किसी की प्रकार की कोई दिक्कत न हो, इसकी देखरेख की जिम्मेदारी पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों को सौंपी गई है। आईटीबीपी के असिस्टेंट कमांडेंट अर्जुन सामल ने बताया कि जो कोई चुनाव की शांतिपूर्ण प्रक्रिया में बाधक बनेगा, जवान उससे सख्ती से पेश आएंगे। आजमगढ़ के मुबारकपुर निवासी एक फौजी ने अपने परिवार की सुरक्षा को लेकर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ, आजमगढ़ मंडलायुक्त, आजमगढ़ जिलाधिकारी और आजमगढ़ एसपी से न्याय की गुहार लगाई है। फौजी ने न्याय की उम्मीद करते हुए आला अधिकारियों से कहा है कि सर, अब आप ही बताइए कि मैं सीमा पर देश की सुरक्षा करूं या घर पर अपने परिवार की रक्षा। ये मामला थाना मुबारकपुर के ग्राम पंचायत केरमा गांव का है, जहां यूपी पुलिस सेवा में नियुक्त होमगार्ड श्यामलाल यादव पुत्र झिंगे यादव के द्वारा मेरे पिता को मारा गया है। विगत कुछ दिन पूर्व पिताजी के द्वारा थाने में तहरीर दी गई थी, किंतु समय लग यह कहते हुए थाने में हाजिर नहीं हुआ कि थाना मेरा है, सभी अधिकारी मेरे हैं, जेब में रहते हैं। तमाम इसी तरह की बातें कही, सीधे आप फौजी के मुंह से सुनिए। फौजी अरविंद यादव, ग्राम किरमा, पोस्ट किरमा, थाना मुबारकपुर, जनपद आजमगढ़ का मूल निवासी हूँ। श्रीमान योगी आदित्यनाथ महाराज जी, डीएम साहब और कप्तान साहब और हमारे मंडलायुक्त अधिकारी, आपसे विनम्र निवेदन है कि हमारे परिवार को आज दिनांक 18/6/2022 को गांव के होमगार्ड श्री श्याम यादव, श्यामदेव यादव पुत्र झिंगई यादव, हमारे माता पिता को, पिताजी को आज बुरी तरह मारा गया, जिसमें वो 7-8 लोग थे। मारपीट के हाकी से, बल्लम से मारा गया, रॉड से, जिसमें वो बुरी तरह घायल हो गए। इसकी कार्रवाई में 4 दिन पहले 100 नंबर को सूचना दर्ज की थी, सर मेरे परिवार को ऐसे ऐसे गाली गलौज दिया जा रहा है, ऐसे लड़ाई झगड़ा हो रहा है। 100 नंबर गई, उन्हें दोनों पक्ष को थाने पर बुलाया, जिसमें श्यामदेव यादव ने बोला कि थाना मैं चलाता हूँ, मेरे कहने पर चलेगा, मैं जैसे कहूँगा वैसे थाना चलेगा, तुम कौन होते हो, ऐसे करके मेरे को गाली गलौज दिया जा रहा है। आज मेरे पिताजी को बहुत बुरी तरह मारा गया, जिसमें वो चोटिल हो गए हैं। 108 नंबर, 100 नंबर गई थी दरवाजे पे, पिताजी को लेकर मेडिकल के लिए ले गई है। निवेदन है यह है कि मेरे परिवार को, कप्तान साहब से आपसे विनम्र निवेदन है कि सर, मैं अपने ड्यूटी पे हूँ, मैं लखनऊ में पोस्टेड हूँ, मैं अपना बताइए, मैं परिवार देखूँ या ड्यूटी करूँ।
थैंक यू, जय हिंद श्रीमान। मैनपुरी पुलिस ने सराहनीय कार्य किया है, एक नाबालिग बच्चे को परिवार से मिलाया। आपको बता दें कि ऑपरेशन मुस्कान के तहत थाना करहरे पुलिस द्वारा बच्चे के भाई के ट्वीट का संज्ञान लेते हुए 8 घंटे में 9 वर्षीय बच्चे को परिवारजनों को सपोर्ट कर दिया गया। परिजनों द्वारा पुलिस की भूरी भरी प्रशंसा की गई है। सुनिए क्या कुछ कहा मैनपुरी पुलिस को लेकर के परिजनों ने। आपका क्या नाम है? कहाँ के रहने वाले हो? अच्छा, क्या हो गया था रात वाला बच्चा ही है, गुम हो गया था खेलते खेलते। क्या नाम है बच्चे का? वैभव। उम्र कितनी है? 9 साल। 9 साल, अच्छा। फिर क्या किया था आपने? थाना पुलिस पहुंची थी? थाना पुलिस पहुंची। तत्काल पहुंची थी? तत्काल पहुंची जी। और जो है हमारी मदद करी पुलिस की कार पर लाली साहब, खुश हो? पुलिस की कार से खुश हो? ठीक। आम आदमी पार्टी जनपद आजमगढ़ के जिला अध्यक्ष रविंद्र यादव के नेतृत्व में अग्निपथ योजना को निरस्त कराने के संबंध में जिलाधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री को ज्ञापन सौंपा गया। जिलाध्यक्ष रविंद्र यादव ने कहा कि भारतीय सेना में 4 साल के लिए सैनिकों की भर्ती के लिए लाई गई अग्निपथ योजना से देश की जनता आक्रोश में है। मात्र 4 वर्षों के लिए सैनिकों की भर्ती वास्तव में सैन्य भर्ती न होकर एक सिक्योरिटी गार्ड ट्रेनिंग सेंटर होकर रह जाएगी, क्योंकि 4 साल तक सेना में रहने के बाद युवा या तो किसी प्राइवेट कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करेगा या फिर बेरोजगारी की मार से आत्महत्या करने को मजबूर होगा। सेना भर्ती की तैयारी के लिए बहुत से सैनिक 4 साल तैयारी करने के लिए लगा देते हैं। ऐसे में लगता है कि जैसे सरकार ने कदम जानबूझकर देश के युवाओं के भविष्य को प्राइवेट कंपनियों के हाथों में देने के लिए उठाया है, सरकार जानबूझकर निजी कंपनियों को फायदा पहुंचा रही है। इस वजह से यह सभी देशभक्तों की भावनाओं को चोट पहुंची है। हमारी सेना भारत की शान है, जो भारत के हर वक्त के लिए गर्व की बात है। ऐसे में सिर्फ प्राइवेट कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए देश की सेना के साथ खिलवाड़ करना पूरी तरह से देश के खिलाफ काम करना है। आजमगढ़ में पहुंचे संत कबीर नगर के विधायक गणेश चौहान को उत्तर प्रदेश पंचायती राज ग्रामीण सफाई कर्मचारी संघ की 4 प्रमुख सूची मांगों को लेकर के ज्ञापन सौंपा है। इसको लेकर पूर्व में शासन को ज्ञापन भी सौंपा गया। खेद है कि उक्त मांगों पर अब तक कोई भी सकारात्मक कदम नहीं उठाया जा सका। उक्त समस्याओं के निराकरण के लिए उन्होंने मांग किया है कि सफाई कर्मियों की सेवा नियमावली बनाई जाए, सफाई कर्मियों की पदोन्नति की जाए, सफाई कर्मचारियों की ड्यूटी गौशाला से हटाकर उनकी तैनाती स्थान पर भेजे जाने का आदेश दिया गया, लेकिन आदेश की अवहेलना निरंतर हो रही है। आदेश को जल्द से जल्द लागू किया जाए, समस्त कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाल की जाए। सुनिए तमाम ऐसी बातें। क्या नाम है आपका? मैं बसंत कुमार भवन, उत्तर प्रदेश पंचायती राज ग्रामीण सफाई कर्मचारी संघ का जिला अध्यक्ष। आज आपके नेता आया, वो विधायक भी है, सफाई कर्मी विधायक में, क्या करना चाहेंगे आप? ये हम लोगों को तो पहले बहुत ही उत्साह है कि हमारे बीच से निकल कर और विधानसभा तक पहुँचे हैं, तो अवश्य हमारी मांग को आगे उठाएंगे। और ऐसा भाव कि हमारे जिले में भी आए, हमने स्वागत किया हृदय की गहराई से और आगे ज्ञापन भी दिया। अपेक्षा करते हैं कि हमारी मांग को मांगे क्या आप लोग? मांग हमारी प्रमुख 4 मांगे हैं इस समय, और सेवा नियमावली हमारी बनाई जाए और सफाई कर्मचारी भाइयों का पदोन्नत किया जाए और गौशाला में कुछ, जबकि शासन की तरफ से आदेश है कि गौशाला से हटाया जाए लेकिन अभी तक हटाया नहीं गया। हमने विधायक जी को ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराया है कि आगे इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। जो है हमारी मांगे सर, आज आजमगढ़ आए हैं, क्या संदेश देंगे और क्या खाना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले इन भाइयों ने मुझे अभी अभिवादन किया है, जिस संवर्ग सफाई कर्मचारी संगठन से मैं कभी संघर्ष किया करता था, चला करता था, आज एक सफाई कर्मचारी को उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी ने जो सम्मान दिया है, नरेंद्र मोदी जी ने जो सम्मान दिया है, आपने देखा होगा सफाई कर्मचारियों का पैर धुलकर उन्होंने शीर्ष स्थान तक सम्मान दिया, और एक सफाई कर्मचारी को विधायक बनाकर इस सफाई कर्मचारी साथियों का मान सम्मान बढ़ाया है, तो निश्चित है सबका साथ सबका विकास को चरितार्थ करती भारतीय जनता पार्टी एक समाज के निचले तबके के साथ है। इसका एक जनादेश आप लोगों के सामने है। मैं इन भाइयों का अभिवादन करना चाहता हूं जिन्होंने अपने संवर्ग के साथी को एक अच्छे सदन में पहुँचने पर
जो स्वागत किया, मैं सबका आभार प्रकट करना चाहता हूँ। सफाईकर्मी से लेके विधायक तक का आपका सफर कैसा रहा और क्या आप सफाई कर्मियों के मांगों को आगे मतलब कहाँ तक श्रेष्ठता देंगे? देखिए, सफाई कर्मचारी से लेकर विधायक तक का सफर निश्चित है, उसमें भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़ा योगदान रहा। मैं सेवा के क्षेत्र में काम करता रहा जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने एक अच्छा एक सेवा के क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्ति को उठाने का नियत बनाया और एक सफाई कर्मचारी को उत्तर प्रदेश के सर्वोच्च सदन में पहुंचाया। निश्चित है इसका हम सबको गौरव और हमारे लिए तो बहुत ही सुखद अनुभूति हो रही है। जिस प्रकार से एक बड़े सदन में जाकर निचले तबके का, जमीन से जुड़े हुए मजदूरों का, सफाई कर्मचारियों का और समाज के निचले तबके के व्यक्ति का आवाज़ बनकर सदन में पहुंचने का अवसर मिला, निश्चित है इसको उठाया जाएगा। और रही बात कर्मचारियों का, तो इन कर्मचारियों के दुख दर्द को हमने झेला है, हम देख रहे हैं, निश्चित है अच्छे पटल पर उच्च सदन में जहां भी आवश्यकता पड़ेगी मैं इनके मांगों को रखूंगा और पूरा कराने का प्रयास करूंगा। आज यहां से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार निरहुआ है तो क्या संदेश देंगे अपने कर्मचारियों में उनको वोट करने के लिए? क्या कर्मचारी साथी पूरी तरह से साथ है। मेरा यह मानना है कि जिस कर्मचारी के भाई को इस पंचायत में, इस प्रदेश के बड़ी पंचायत में भेजा गया, तो निश्चित है इस कर्मचारियों से भी मैं यह उम्मीद करता हूं और सभी लोग साथ भी हैं, सब लोग निरहुआ को मूड बना लिए हैं कि उत्तर प्रदेश में और केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और इस बार आजमगढ़ में भी लोकसभा में निरहुआ को विजयी बनाकर मोदी जी को और पूज्य महाराज जी के हाथों को मजबूत करें। जिस प्रकार से मोदी जी और आजमगढ़ के लोकसभा उपचुनाव में जहां देश के तमाम नेताओं ने आजमगढ़ में डेरा डालते हुए अपनी पार्टी के प्रत्याशियों को जिताने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं, वहीं गौरीगंज अमेठी के विधायक राकेश प्रताप सिंह द्वारा मेहनगर सपा कार्यालय पर पूर्व मंत्री शैलेन्द्र यादव ललई से मिलकर चुनाव पर चर्चा कर जीत की रणनीति बनाई तथा सपा प्रत्याशी धर्मेन्द्र यादव के पक्ष में प्रचार कर लोगों से जनसंपर्क किया। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी द्वारा जाति धर्म मजहब के नाम पर समाज की बांटने वाली नीतियों को लोगों को अवगत कराया। राकेश प्रताप सिंह द्वारा मेहनगर के रहिला, लोहानपुर, पंधार, रहिला, शिवरामपुर, सिसवा, जुमतीस सहित कई गांवों का दौरा कर लोगों को सपा की नीतियों को लोगों के बीच में रखा। पत्र प्रतिनिधि से बात करते हुए उन्होंने बताया कि समाजवादी पार्टी में आजमगढ़ का स्थान हमेशा शीर्ष पर ही रहा है, चाहे नेताजी हों या अखिलेश जी हों, किसी ने भी आजमगढ़ से अपने से अलग करने नहीं देखा है। समाजवादी कार्यालय में जो विकास आजमगढ़ का हुआ है उसकी मिसाल आज पूरा प्रदेश में दी जा रहा है। आजमगढ़ के एक ईंट पर समाजवादी पार्टी का नाम लिखा हुआ है। आइए सुनाते हैं कि गौरीगंज अमेठी के विधायक राकेश प्रताप सिंह ने क्या कहा। ज्यादा विकास आजमगढ़ में हुआ है और जब मैं लोगों के बीच में गया तो वो लोगों का ही कहना है जब फिर यहाँ नेताजी आए और अखिलेश यादव जी आए तब यहाँ विकास तेजी से हुआ। राज्य चूंकि आज आजम खान साहब का भी प्रोग्राम लग रहा है आजमगढ़ में, क्या लगता है कि मुस्लिम मतदाता सपा की तरफ झुकेंगे या एक उनके ही समाज से, बहुजन समाज पार्टी से कैंडिडेट आ रहे हैं उधर जाएंगे या समाजवादी पार्टी तरफ आएंगे? देखिए, मुझे लगता है कि हर जात और धर्म के लोग समाजवादी पार्टी को वोट दे रहे हैं और माननीय धर्मेंद्र यादव जी को जिताने जा रहे हैं। केवल मुस्लिम ही नहीं, मैं तो सब की बात करता हूँ, पढ़ा लिखा नौजवान, बेरोजगार और जो जनता के साथ धोखा हो रहा है भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में, उसको अमेठी जो आपका आजमगढ़ है, पढ़ा लिखा जनपद है, जागरूक लोगों का जनपद है, वो समझता है। और विधानसभा के चुनाव में भी उन्होंने रिजल्ट दिया, दफों सीटें समाजवादी पार्टी को जिताया और लोकसभा की सीट भी समाजवादी पार्टी को। सर, जैसे कि ये कि आजमगढ़ का उपचुनाव पूरे प्रदेश में इसकी चर्चा है, तो समाजवादी पार्टी कौन सा मुद्दा लेकर के आजमगढ़ चुनाव में उतरी है? देखिए, समाज जो आजमगढ़ के लोकसभा का चुनाव है, दो लोकसभा का चुनाव हो रहा है, रामपुर और आजमगढ़। आजम लोग रामपुर का चुनाव, लोकसभा का चुनाव उतनी चर्चा में क्यों नहीं है, इस पे भी विचार करने की जरूरत है। आजमगढ़ में ऐसे लोग राजनीति करने आए हैं जिनकी वजह से आजमगढ़ की अपनी पहचान है, लेकिन उस पहचान में कहीं ना कहीं बढ़ोतरी हुई है, चाहे माननीय नेताजी आए हों, चाहे अखिलेश यादव जी आए हों, चाहे धर्मेंद्र यादव जी आए हैं। पहचान के साथ साथ उन्होंने विकास किया आजमगढ़ को। मैं आप चौराहों को देखता हूं, लगातार मैं आजमगढ़ आना मेरा रहा है, तो जो पिछले 7-8-10 सालों में आजमगढ़ के विकास में परिवर्तन नजर आया है वो बिना इन लोगों के आए संभव नहीं था। तो हमको लगता है कि विकास के नाम पे यहाँ की जनता वोट देने जाएगी। सर, अगर हम कानून व्यवस्था की बात करें तो आजमगढ़ पूर्वांचल का सबसे चर्चित जिला है। कभी कभी आतंकवाद से आजमगढ़ को जोड़ा गया, कभी कभी गुंडा माफियाओं से आजमगढ़ को जोड़ा गया, इस पे समाजवादी पार्टी की क्या दिशा है?
देखिए, कोई एक क्षेत्र में ना तो आतंकवादी पैदा होता है ना तो गुंडा माफिया पैदा होता है। आप सबसे ज्यादा अगर इस समय कार्रवाइयां और सबसे ज्यादा गुंडों का चेहरा कहीं निकल के आ रहा है तो आप देखेंगे इस समय पश्चिम में भी आ रहा है, रोज वहां कहीं हाफ काउंटर हो रहा है, कहीं काउंटर हो रहा है। तो आजमगढ़ का की पहचान जो है यहाँ के राजनीतिक व्यक्तियों से है, यहाँ के साहित्यकारों से है और यहाँ के खेल प्रेमियों से है। तो मैं नहीं मानता कि आजमगढ़ आतंकवाद का घर रहा है या गुंडे माफियों का घर रहा है, यहाँ हमेशा अच्छे विचार के लोग। सर, अभी आप कहे हैं कि पश्चिम में कुछ आतंकवाद, कुछ गुंडा माफियों का चेहरा सामने, मतलब आपके कहने का मतलब है कि आजमगढ़ से ज्यादा गुंडा माफिया। पात्रवी थाना क्षेत्र के कनेला स्थित गांव में 15 जून से भव्य राम कथा का आयोजन किया गया, जिसमें काशीधाम से पधारे कथावाचक गंगाचार्य जी महाराज जी। गंगाचार्य जी महाराज द्वारा भागवत कथा के दूसरे दिन राजा परिषद द्वारा तथा राजा जन्मेंजय का वृत्तांत लोगों को सुनाया गया। वह इस भागवत कथा में जब भगवान श्री कृष्ण अपना भौतिक शरीर त्याग कर स्वर्ग लोग गए तो उनके प्रेम में हजारों भक्त भी उनके पीछे अपने शरीर को त्याग कर चले गए। इसका पूरा वृत्तांत कथावाचक गंगाचार्य जी महाराज द्वारा उपस्थित जनसमूह को सुनाया गया, जिसमें कथा सुन लोग भाव विभोर हो गए। तत्पश्चात इस कथा में एक भव्य झांकी का भी आयोजन किया गया, जिसकी लोगों ने खूब सराहना की। इसी क्रम में प्रत्येक दिन कथा समाप्ति के बाद एक भव्य झांकी का आयोजन किया जाता है, जिसमें गांव के ही लोग भगवान के रूप में विशेष भूमिका निभाते हैं। यह भागवत कथा 21 जून तक चलेगी। तत्पश्चात एक बड़े भंडारे का आयोजन किया गया है, जिसमें लोगों को प्रसाद वितरण किया जाएगा। इस कथा में मऊनाथ भंजन से पधारे नरेंद्र दुबे तथा शिवशंकर तिवारी जी की विशेष कृपा रही। श्रीमद् भागवत कथा के आयोजक अजय पांडे, सूर्य प्रकाश पांडे, प्रदीप गौड़, पुनीत पांडे तथा रजनीकांत पांडे ने कथा में आए हुए लोगों का आभार व्यक्त किया। आइए सुनाते हैं कि ग्रामीण रजनीकांत पांडे ने क्या कुछ कहा। आपके गाँव में राम कथा का आयोजन है, कितने तारीख चल रहा, कितने तारीख तक रहेगा और 7 दिवसीय है, उसके बाद क्या है, हवन है, भंडारा है, इसके बारे में पूरी जानकारी दी जी। बिल्कुल, ये जय माँ काली पूजा समिति कनेला की तरफ से ये 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का आरंभ हुआ है। 15 तारीख को 15 से 21 तक चलेगा। आज तृतीय दिवस था, चतुर्थ दिवस पे कल श्री राम श्री कृष्ण जन्मोत्सव के बारे में बताया जाएगा और 21 तारीख को पूर्णाहुति एवं भंडारा है, जिसमें सभी भक्तों से अनुरोध है काफी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और इस आयोजन को सफल बनाएं। ये किस संस्था द्वारा यहाँ पर कराया जा रहा है? ये हमारे कनेला गाँव की हमारे नवयुवक मंडल द्वारा श्री काली जी पूजा समिति द्वारा कराया जा रहा है और जिसके अध्यक्ष अजय पांडे एवं उपाध्यक्ष सूर्य प्रकाश पांडे, पुनीत पांडे आदि समस्त ग्रामवासी इस कमेटी मेंबर। क्या कनेला ग्राम में पहली बार राम कथा हो रही है? जी बिल्कुल, ये पहली बार आयोजन किया जा रहा है और हम लोग कोशिश करेंगे कि अगले आने वाले सभी वर्षों में इस वर्ष की भांति एक सफल आयोजन किया जा सके। लोग आ रहे हैं, सुन के जा रहे हैं, उनको कैसा अनुभव लग रहा है आप यहाँ के? हमारे सही पूछा जाए तो इस तरह का आयोजन हमारे क्षेत्र में पहली बार हो रहा है। हमारे यहाँ तपसी बाबा की कुटी है, वहाँ भी हर साल कृष्ण जन्मोत्सव का कार्यक्रम होता है और इस तरह से बिना किसी उत्सव के एक श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें समस्त क्षेत्रवासियों में बहुत ही हर्षोल्लास है और इसको कथा को सुनने के लिए काफी लोग जो है बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं। भागवत कथा के बाद एक झांकी का भी आयोजन किया जा रहा है, उसके बारे में थोड़ा बताइए। जी बिल्कुल, हमारे यहाँ हमारे एक बहुत अच्छे कलाकार हैं, श्री रामदरस जी पेंटर हैं और उनके माध्यम से हमारे भक्तगण जो हमारे यहाँ के बच्चे हैं उनको सजा कर एक दिव्य झांकी प्रतिदिन लगाई जा रही है और इस तरह अगले 4 दिवस में और किया जाएगा और हर रोज अलग अलग झांकी निकाली जाती है जो काफी सम्मोहित करने वाली होती है, सभी लोग काफी। सिधारी पुलिस ने दहेज हत्या से संबंधित 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि 16 जून को राम भवन चौहान पुत्र रामाधार चौहान चकमेगुआ थाना रानी किसराय जनपद आजमगढ़ द्वारा अभियुक्तों द्वारा वादे की भतीजी संयोगिता को दहेज के लिए प्रताड़ित करने व हत्या कर फंदे से लटका देने के संबंध में दाखिल लिखित तहरीर पर थाना स्थानीय पर मुकदमा पंजीकृत किया गया था। इसमें विवेचना चित्राधिकारी नगर द्वारा संपादित की जा रही थी और आज इस मामले में मुख्य अभियुक्त 4 अभियुक्तों को पुलिस ने दहेज हत्या से संबंधित गिरफ्तार। बागपत जिले के थाना छपरौली बछौर निवासी महक सिंह बाजाल और उनकी पत्नी व बेटियों के साथ विगत दिनों पुलिस द्वारा न्याय उत्पीड़न किया जा रहा था और अन्याय 4 दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था, ऐसा आरोप है पूर्व मंत्री रामाश्रय विश्वकर्मा का। पुलिस द्वारा गैर कानूनी ढंग से दबिश देने के नाम पर अन्याय अत्याचार मारपीट की जा रही थी, जिससे आहत होकर गीता पंचाल ने अपनी पुत्री स्वाति पंचाल एवं प्रीति पंचाल सहित जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया, जिससे उनकी मौत हो गई।
विश्वकर्मा विडगेट के प्रदेश अध्यक्ष आशुतोष विश्वकर्मा ने पीड़ित परिवारजनों से मुलाकात कर उन्हें सांत्वना दी व परिवार को न्याय दिलाने का भरोसा दिलाया एवं जिलाधिकारी के माध्यम से राज्यपाल उत्तर प्रदेश को अपना ज्ञापन सौंपा। इस मौके पर मेरठ के जिला अध्यक्ष संजय विश्वकर्मा, डॉक्टर कैलाश विश्वकर्मा, मोनू विश्वकर्मा, सतीश विश्वकर्मा, विनोद विश्वकर्मा मौजूद रहे। आजमगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी दिनेश लाल यादव निरोवा के समर्थन में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सत्यदेव सिंह ने शनिवार को नगर की रानी रस्मों में व गोपालपुर विधानसभा और शुक्रवार को सभी संख्या विधानसभा में विशाल जनसभा को संबोधित किया। इस अवसर पर प्रसपा के नेता व पूर्व विधायक रामदर्शन यादव, जो लंबे समय तक सपा के जिलाध्यक्ष रह चुके हैं, ने सैकड़ों समर्थकों संग मिल मेहनगर की जनसभा में भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर लिया। इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष सत्यदेव सिंह ने कहा कि आजमगढ़ दत्तात्रेय दुर्वासा और चंद्रवार ऋषि की तपोस्थली रहा है, लेकिन सपा शासन में आजमगढ़ की पहचान आतंकियों, गुंडों, माफियाओं के नाम से होने तक लगी थी। आजमगढ़ की ऐसी पहचान बना दी गई थी कि जब आजमगढ़ के लोग दूसरे शहरों को जाते थे तो उनके होटलों में कमरे नहीं मिलते थे। आजमगढ़ के लोगों ने दो मुख्यमंत्री दिया, दो दो मुख्यमंत्री को सांसद बनाया। आजमगढ़ के लोगों की अपेक्षा थी कि आजमगढ़ के लोगों का विकास होगा, उनकी सेवा होगी, लेकिन कोरोना जैसी भयंकर महामारी में भी अखिलेश यादव अपने संसदीय क्षेत्र में जनता का हाल जानने नहीं आए। आजमगढ़ के लोगों की सेवा मोदी योगी के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने अपनी जान की परवाह किए बगैर किया। आजमगढ़ की जनता को कभी सपा को माफ नहीं करना चाहिए। सपा का प्रत्याशी नामदार है। सपा ने हमेशा जातिवाद, वंशवाद, भ्रष्टाचार, अनाचार, दुराचार की राजनीति किया है। मेरा प्रधान सेवक, राज्य सेवक गरीबों की सेवा करते हैं, तो उसी तरह हमारे प्रत्याशी दिनेश लाल यादव निरुआ आपकी सेवा करना चाहते हैं। निरुआ स्वभाव से नम्र है, लेकिन गुंडों की भी तोप का काम करेंगे। आजमगढ़ में अखिल भारतीय ठठेरा कसेरा ताम्रकार महासभा एवं पूर्वांचल जन मोर्चा का संयुक्त कार्यक्रम आजमगढ़ के कलेक्ट्री कचहरी नगर पालिका रोड स्थित मोर्चा कार्यालय पर संपन्न हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता राजेश विश्वकर्मा, राज्य जिला मंत्री, भाजपा पिछड़ा वर्ग एवं संचालन सत्येंद्र प्रजापति ने किया। ये मुख्य अतिथि महासभा एवं मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहन शिवकार ने अपने संबोधन में बताया है कि आज आजमगढ़ के सदर लोकसभा में हो रहे उपचुनाव में अपने समाज और अपने कार्यकर्ताओं को अहम भूमिका निभानी है। मेरे द्वारा भी उपचुनाव लड़ने का फैसला लिया गया था, परंतु राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी एवं देश के कैबिनेट, केंद्रीय कैबिनेट मंत्री पशुपति कुमार पारस के निर्देश पर एवं राष्ट्रीय महासचिव रामजी वो हमारे बड़े भाई राष्ट्रीय सचिव राधेश्याम पासवान के विशेष आग्रह पर हमने पर्चा नहीं भरा। निश्चित रूप से कहीं न कहीं यह बात हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के दिल और दिमाग में है कि इन वर्गों के लोगों को अधिकार मिलना अति आवश्यक है। सुनिए। आज आजमगढ़ के कलेक्ट्री कचहरी नगर पालिका रोड मोर्चा कार्यालय पर आप लोग उपस्थित हुए हैं, मैं सभी को धन्यवाद देता हूँ। आज आजमगढ़ के सदर लोकसभा का उपचुनाव चल रहा है और हमारे वर्ग के जो अखिल भारतीय ठठेरा कचहरा कामकाज महासभा और पूर्वांचल जन मोर्चा के जो हमारे भाई कार्यकर्ता बंधु हैं, समाज के हमारे हैं, मैं सभी लोगों से एक अपील करना चाहता हूं, ये चुनाव के माहौल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश और केंद्र में है, इस नाते आजमगढ़ के एक उपचुनाव में जो उनके प्रत्याशी दिनेश लाल यादव निरहुआ लड़ रहे हैं उनको विजयी बनाए, ताकि भारतीय जनता पार्टी को समझ में आए कि आजमगढ़ की जनता की सोच विकास के लिए है, किसी बिरादरीवाद, किसी जात, किसी धर्म मजहब के लिए नहीं है, विकास के नाम पर। और आजमगढ़ को अग्रसर करने के लिए जो है, मैं आप सबसे अपील करता हूँ कि जो दिनेश लाल यादव उस निर्णय को विजय बना और ताकि भारतीय जनता पार्टी में मजबूती बने और जो हमारे हक अधिकार से जो हम लोग वंचित हैं उसको प्राप्त कर सके। हमारे समाज के लोगों के साथ जो यहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था का जो रवैया है उसमें सुधार लाया जा सके। अभी हाल में ही कोयनहा में घटना जो घटी है इसकी मैं निंदा करता हूँ। अभी तक यहाँ के पुलिस अधीक्षक महोदय ने उस पर गौर डालने का काम नहीं किया। चुनाव का माहौल है, वो भी व्यस्त हैं। इस नाते चुनाव के बाद जो हम लोगों की रणनीति बनेगी और मांग पत्र और धरना प्रदर्शन किया जाएगा, जो उसमें मुलजिम बचे हुए हैं, जो भी लोग उसे दूरी बना कर रखे हुए हैं उनको घेरने का काम किया जाएगा। समाज में इस तरह के हमारे लोगों का उत्पीड़न एक कतई बर्दाश्त नहीं होगा। मैं उत्तर प्रदेश के माननीय योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री महोदय, देश के प्रधानमंत्री जी से,
ये अपने तरफ अपने अखिल भारतीय ठठेरा के खिलाफ कामकार महासभा एवं पूर्वांचल एवं मोर्चा की तरफ से मांग रखता हूँ कि इस घटना पर नजर डालें और सीबीसीआईडी जांच कराने का काम करें ताकि हमारे समाज के लोगों का विश्वास भारतीय जनता पार्टी के तरफ और भी मजबूत हो और न्यायप्रिय सरकार के प्रति ध्यान हो और अपने को न्याय का सबसे बड़ा